हे गाइस, वेलकम आपका दित्या मेकओवर व्लॉग्स में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेकअप, हेयर और स्किन केयर की ढेर सारी वीडियो और साथ में कॉस्मेटिक की नॉलेज। और साथ ही साथ आप एंजॉय करोगे फैमिली व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स। अगर आप ये सब एंजॉय करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ दित्या मेकओवर व्लॉग्स में। कीप कंटिन्यू, कीप वॉच। हाय गाइस, वेलकम टू दित्या मेकओवर व्लॉग्स। और आज है शिवरात्रि और हम सब जल्दी उठे हैं, अभी 7:30 बजे। और राइन दित्या जो है वो उठते ही फोन में लग चुके हैं और हमारा रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो अब हम इसको अच्छे से साफ करेंगे और फटाफट से रेडी होंगे वहाँ पे मेले में जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे वहाँ मेला भी लगा हुआ है। तो अभी आपको दिखाते हैं हम सब कैसे रेडी होते हैं और कैसे मेले में जाते हैं, आपको वहाँ पर जाके दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत पवित्र ने कर ही दी है और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आई होप आपकी ये शिवरात्रि अच्छी जाए। तो आप लोग कैसे मनाते हो शिवरात्रि वो कमेंट करके बताना और हमारा आज का दिन कैसा रहेगा वो हम आगे आपको व्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहना मेरे साथ दित्या मेकओवर व्लॉग्स को, देखते रहना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। बोलो क्या करना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। हाँ, और सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ। और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जब भी सुबह हो रखी है, 8:30 बजे हुए हैं, पवित्र निकाल दी है झाड़ू, ये देखो इधर ये, और इधर का बेड वगैरह इसने कर लिया है सेट। और मैं जाऊंगी अभी किचन में, किचन में मैं रोटी वगैरह की तैयारी करूंगी, फिर उसके बाद हम नहाने धोने के लिए मतलब जाएंगे और रेडी होंगे, फिर जाएंगे मेले में। मेला लगता है हमारे यहाँ शिवरात्रि पे कुंडल में, जो हमारी मानता है वहाँ पे मंदिर के पास, बहुत अच्छा सा मेला लगता है। वो सारा मेला वहाँ का सारा आपको दिखाएगी पवित्र। बाकी मैं जाऊंगी बस जल चढ़ाने और फिर उसके बाद जाऊंगी शॉप पे। तो आप साथ बने रहे ना, आपको सारा मेला वगैरह और सारा मंदिर वगैरह दिखाएंगे कैसा क्या। जब हम दोनों वहाँ पे मेले में गए थे ना अगले साल, तब है ना रानी दीदी बड़ी वाली नाव पे बैठी थी, मैं नहीं थी, मतलब मैं छोटी वाली पे बैठी थी, बड़ी वाली पे नहीं बैठी थी, रानी दीदी छोटी वाली पे भी डर गई। ठीक है, तो अब की बार नहीं बैठेगी वो नाव पे। मैं बड़ी और इनको ये करेंगे आज मस्ती बहुत सारी। मैं बड़ी वाली पे बैठ जाऊं। ठीक है, तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद और आगे पवित्र कंटिन्यू करेगी। गाइस एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, एक हर तरफ बारिश ही बारिश हो रखी थी, तो कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ आपको दिखाएं। और इस टाइम पे हमारा शॉप का भी सीजन थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, तो इतना कुछ काम वगैरह, कॉन्टेंट वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बीच में बिजी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो चीज़ें मैं दिखा नहीं सकती थी आपको, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बाकी अभी कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू ब्लॉग आए, तो आप ज़रूर देखना। हेलो गाइस, तो हम सभी हो चुके हैं रेडी और दित्या ने पहनी है डंगरी, मैंने पहनी है ये ब्लू कलर का टॉप और नीचे जीन्स, और पवित्र दीदी भी हो चुकी हैं रेडी, बस उनके तो बाल रहते हैं। ये देखिए गाइस, एक मिनट अभी हम आपको दिखाते हैं कि पवित्र दीदी अभी रेडी हो रही है और अभी हम आपको थोड़ी देर में लिए बाय बाय। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकली हूँ घर से और अब मैं जाके गाड़ी में बैठूंगी, उसके बाद हम जाएंगे मेले में, बाकी हम लोग आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। हाय गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं और हम चल रहे हैं अब मेले में। हम पापा की गाड़ी मतलब घर में हम सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और सारा काम हो गया। तो गाइस हम चल रहे हैं। हाय गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं और अभी हम सड़क पे, यहाँ पे बहुत लंबी लंबी पार्किंग लगी हुई है और जस्ट अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हम मंदिर में जाएंगे, उसके बाद वहाँ से जोत लगाएंगे और फिर वहाँ से आपको मेला दिखाएंगे। गाइस, तो मंदिर में और हम यहाँ पे जोत लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये शिव जी की मूर्ति है बहुत बड़ी, यहाँ की फेमस है और हम सब यहाँ रखते हैं मंदिर में और हम यहाँ जोत लगा रहे हैं। हमारी जोत जस्ट अभी कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम जाएंगे। गाइस, यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति है आसपास के एरिया की।
प्रसाद खा रहे हैं, हमें प्रसाद मिला है मंदिर में। दित्या एक नहीं तीन बेली प्रसाद ही खा रही है, और प्रसाद भी हमें मिला था हलवा जब हमने पूछा, हमें बहुत टेस्टी लगा। और अभी हम चूल्हों पर जाने की तैयारी में, अभी हम जाएंगे मेले में। अभी जस्ट हमने सारे के दोस्त लगाए हैं और हम प्रसाद इन्जॉय मेले में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी भीड़ है, बाजार अभी नहीं गया, बाकी हम अभी झूलों पे झूलेंगे। तो अभी आपको गाइस यहाँ पे हैं झूले हमारे बड़े बड़े, बैठ चुके हैं और अब हमको राहिनी की शक्ल देख सकते हैं आप, राहिनी बहुत ज्यादा डर चुकी है। राहिनी आप खोल। गाइस यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है गाइस, स्लोली स्लोली उतरने वाले। राहिनी की तबीयत खराब हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा डर चुका है। हाय गाइस, तो हम सभी गाड़ी में पहुंच चुके हैं मेले में से। दादी ने थोड़ी सब्जी ली है और हमने थोड़ा सा बादाम शेक पिया, और दित्या तो अभी भी पी रही है, उसका बच्चा हुआ है। हमारी गाड़ी चला रहे हैं, बहुत इंजॉय किया हमने, झूले पे भी झूला, डर भी नहीं लगा। राहिनी दित्या पहली बार झूली थी, उसे भी डर नहीं लगा। राहिनी जी को लगा, अगर राहिनी को तो अब भी डर नहीं। आंख बंद करके दादी, आंख बंद करके बैठी थी, से आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं खोली इसने आंख अपनी, खोल ली थी। देखो अब ये दीदी की गोद में आ गई है, और अब देखो दीदी की चेहरा। यहाँ पे खाना खाना खा, यहाँ पे कैमरा मैन की बातें करने लग रही, और यहाँ पे बातों में लग रहा है। अरे बाला दादी हाय गाइस, तो ये देखो ये सबसे शैतान सबसे क्यूट, और ये बहुत छोटी जब पहले आई थी, और अब बड़ी हो गई है बहुत। छोटू मोटू तो लेट गई है, वो लेट गए खाना खा के, पेट पकड़ गया, खड़ा नहीं हो रहा। तो अभी शाम हो रखे है और मैं खाना बनाने जाऊंगी, और आज हमारे साथ है पारस। हाय गाइस, आज शिवरात्रि थी तो इसकी छुट्टी हुई है, ये मेले में आया था और इसकी कुश्ती थी। कितनी कुश्ती थी पारस? दस कुश्ती थी गाइस इसकी, और कितनी जीता? और सात कुश्ती जीती गाइस इसने, सात कुश्ती, ही इज सो टैलेंटेड। और तीन हार गए, तीन कौन सी लास्ट वाली ना, पहले वाली, दो बीच की और एक लास्ट। हाँ ये तीन कुश्ती हार था, सिर्फ तीन कुश्ती, बाकी सारी इसने जीती है। अब ये धीरे धीरे कुश्ती पहलवान होते जा रहे हैं। पिछले साल भी इसने बहुत सारी कुश्ती जीती, हाँ इस साल जब इसकी पिछली वाली जो कुश्ती थी उसमें। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बाकी का व्लॉग आपको बताऊंगी। हाय गाइस, तो अभी शाम के बजे हुए हैं 8, और मैंने देखो आज क्या बनाया है। आज मैंने बनाया है चावल जो कि अभी उबल रहे हैं, अभी बने नहीं है, और मैंने बनाई है दाल, और गाइस ये बहुत टेस्टी बनी है, यू कैन सी द टेक्सचर, बहुत अच्छी बनी हुई है।
उसका टेस्ट भी बहुत स्पाइसी है, जस्ट वी लव इट। और अभी चावल पकते ही हम सब चावल खाएंगे। तो गाइज मेरे चावल रेडी हो चुके हैं और मम्मी जो है वो देखो फुल उसके साथ सैलेड के साथ खा रही है, प्याज वगैरह कटवा के देख लो। और मुझे कहती है कि मैं सैलेड कटवा खाती हूँ हमेशा। और दित्या भी खा रही है देखो, और मैं भी खा रही हूँ। देखो गाइज मेरी थोड़ी सी, मेरे थोड़े से चावल है बस और सब्जी, और कुछ नहीं, मेरी प्लेट पूरी खाली है। और उसे देखो उसका रिएक्शन, कितने 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 चाव से खा रही है। शट अप। हाँ क्या है बोल, डाल रही हूँ।